बच्चों एक बार जोर से बोलना होगा हैप्पी बर्थडे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू मनी ब्लॉग। गाइज ऐसा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, हम सब भी यहाँ स्वस्थ हैं। तो गाइज जैसा कि मेरे कल के ब्लॉग में देख रहे हैं, मैं बार बार डबल सेलिब्रेशन की बात कर रहा हूँ, यानी आज ऋतु और भैया का बर्थडे है गाइज। तो ये एक बर्थडे कल तो यहाँ पे है, इनको ब्लेसिंग्स दीजिए, लव दीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, मे गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड। और गाइज भैया तो अभी सो रहे हैं, तो उनको भी मैं विश करते हुए जाऊंगा अपने डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन पे तो मैं जा रहा हूँ, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊँ, ताकि सामान वगैरह लाना होगा ना गाइस, वो सब मैं कर सकूँ। तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ब्लॉग पे बने रहिएगा। बर्थडे सेलिब्रेशन होगा गाइस, छोटे मोटे बच्चे आएंगे बाहर से, तो बड़ा मज़ा आएगा देखने में। ब्लॉग पे बने रहिए, चलते हैं डेस्टिनेशन पे, वहाँ से आते हैं फिर और कुछ दिखाते हैं। मैं अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल चुका हूँ गाइस, लेकिन ये देखिए क्या हसीन नजारे हैं, देख रहे हैं भाई साहब, बोल बाम मस्त हो रही है गाइस, देख रहे हो नहीं। तो गाइस आज मेरी बड़ी बेटी वृति और भैया का हैप्पी बर्थडे, यानी डबल सेलिब्रेशन। कल से मैं बोल रहा हूँ डबल सेलिब्रेशन, जैसे भी हो हम सेलिब्रेट तो करेंगे गाइस, जिस भी तरीके से करें। तैयारियां हो चुकी है, आपको बताया मैंने कल वाले ब्लॉग में, बस बने रहिए ब्लॉग पे। दिया ना कबूतर आज कबूतरी बोले कबूतर से, मजा आता है इस कबूतर उड़ा के, उड़ते हुए देखना मुझे पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। तो भूलिएगा मत, आज वृति का है और भैया का हैप्पी बर्थडे है गाइस, ब्लॉग पे बने रहिए, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे आएंगे केक खाने के लिए, उनका मैं आपको दिखाऊंगा कितना एंटरटेनिंग होगा वो, ब्लॉग पे बने रहिए। आगे मेरे फेवरेट वाले रोड पे गाइस, ये देखिए ये मेरा रास्ता है फेवरेट, चल 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 मेरे दोस्त, चल चल जल्दी खींच, हम लेट हो गए गाइस, देखिए चल 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 मेरे भाई, चल मेरे भाई, भाई शाबाश मक्खन। गाइस मैं निकल चुका हूँ अपने डेस्टिनेशन के लिए घर को, और आपको तो पता ही है आज का वृति और भैया का बर्थडे है, तो डबल सेलिब्रेशन हो रहा है गाइस। दो दो लोग का बर्थडे है तो डबल सेलिब्रेशन तो बनता है। तो मैं निकल चुका हूँ जल्दी, देखते हैं घर वालों का क्या हाथ बटा सकते हैं, सजाने में सामान लाने में ये सब कुछ तो करना पड़ेगा ना गाइस। तो चलिए चलते हैं, रास्ता थोड़ा खाली मिलेगा तो जल्दी पहुँचेंगे, चलिए चलते हैं जल्दी जल्दी, देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। आई एम श्योर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो कर रही होगी ब्यूटी, चलिए चलते हैं देखते हैं। गाइस आई एम बैक एट होम एंड ट्रैफिक मिला गाइस, मैं अपने डेस्टिनेशन के 5 मिनट डिस्टेंस पे था एंड आई गॉट ह्यूज ट्रैफिक, अनबिलीवेबल। 5 मिनट का रास्ता, आई हैव डिसाइडेड इन हाफ एन आवर, मोर देन हाफ एन आवर, जस्ट थिंक अबाउट इट। और ये है बर्थडे गर्ल, हेलो बर्थडे गर्ल, तैयार हो रही है, ये देखिए बाछू भी हाथ हिला ली है, और एक छुआ भी इधर आई भाई। आज किसका बर्थडे है ड्यूटी, और किसका बर्थडे है, और किसका बर्थडे है, बड़े पापा का है ना गाइस, सजा सजावट हो गया है, आइए थोड़ा दिखा देता हूँ। गाइस बाहर का जो आप डेकोरेशन देख रहे हैं वो ब्यूटी ने अकेले किया है, बच्चों ने थोड़ा सपोर्ट किया है, लेकिन ब्यूटी ने पूरा वो किया है डेकोरेशन, हाँ बलून फुलाया है, और हाँ फोटो सेशन भी थोड़ा बहुत हो गया है, मैं शॉर्ट्स में डालने की कोशिश करूंगा ताकि आप फोटो देख लेंगे गाइस। और हाँ अभी भैया का कोई ठीक नहीं लग रहा है, भैया ऑफिस में है,
और वहाँ उनको आने में कितना समय लगेगा कुछ कह नहीं सकते, बट यहाँ पे छोटे बच्चों को इनविटेशन गया हुआ है तो हम कोशिश करेंगे कि इनका केक कट जाए और बच्चे लोगों को समोसा वगैरह मिल जाएगा। समोसा भी आ गया है, प्लेट अभी सजा नहीं है, प्लेट सज जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, वेट कीजिए। ये देखिए गाइस समोसा, अरे इसमें चॉकलेट भी रख दिया, मेलोडी मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। और इसमें केक भी डलेगा, समोसा है, रसबड़ी है, मेलोडी टॉफी है और इसमें डलेगा केक, देख रहे हैं। अरे भाई हेलो, सब हेलो करो, खाना नहीं खाए हो? अरे बस खाना नहीं खाए हो, तुम भी करो हेलो। आज किसका बर्थडे है? तो जोर से बोलो एक बार, हैप्पी बर्थडे ऋतु। अभी केक आएगा, बैठ जाओ सब, बैठो बैठो बैठ जाओ। अरे किसका बर्थडे है? बर्थडे कल उधर है ना, आ जाओ इधर, स्काई इधर आओ, स्काई इधर आओ, हाँ उसी पे बैठ जाओ। बच्चों एक बार जोर से बोलना होगा हैप्पी बर्थडे। नहीं अभी नहीं, केक कटाई समारोह हो गया प्रीति का, लेकिन अभी एक बार और केक कटेगा क्योंकि भैया को ऑफिस से आने में थोड़ा लेट लग रहा है गाइस, और देख रहे हैं बच्चा कितना आफत यहाँ कर रहा है गाइस, मस्ती कर रहा है जबरदस्त वाले ब्लॉग पे, बने रहिए अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा।
गाइस आज का ब्लॉग थोड़ा लंबा हो सकता है, हो सकता है। अभी भैया आए हैं, उनका केक कट होगा, हम लोग शामिल होंगे बर्थडे सेलिब्रेशन। मैंने बोला था ना डबल बर्थडे सेलिब्रेशन, और गाइस बच्चों से रहा नहीं जाएगा तो गिफ्ट अनबॉक्सिंग अभी ही करना पड़ेगा। चलिए दिखाते हैं। तो बेसिकली परोस के बच्चे आए थे और रिद्धि के कुछ स्कूल फ्रेंड आए थे गाइस, उन्होंने ही गिफ्ट दिया है। जो भी दिया है मैं आपको दिखा देता हूँ आपसे क्या छुपाना, सिंस यू आर अ पार्ट ऑफ फैमिली। चलिए ये देखिए गाइस, इतने सारे गिफ्ट मिले हैं। हाँ तो मैं अनबॉक्सिंग करूंगा। मैं करूंगी। अच्छा तुम करोगी। ये देखिए गाइस, इसका तो पता ही चल रहा है कि चॉकलेट। ठीक है साइड में रखते हैं, बाकी अनबॉक्स करो जल्दी जल्दी फटाक फटाक। पहले मम्मा ने क्या दिया खोल के दिखाओ। तुम खोल दो। अरे क्या भाई मम्मा ने क्या दिया भाई? किट्टू इधर तुम्हारा भी है। अब ये इस पे नाम लिखा होगा ना किसने? अच्छा किट्टू तुमने दिया है। लंच बॉक्स ही है इसमें शायद। हाँ चलो इसमें सब्जी रखने के लिए। इडली रखने के लिए आ गया बेटा। इडली चलो करते हैं। ये वॉइस वाला चलो साइड करो। जिसने भी दिया उसको दिल से थैंक यू। गाइस ये है पापा की तरफ से। अच्छा लंच बॉक्स। ओह अरे फेस पे मैं तो कभी जाना नहीं। दीदी एक मेरा लंच बॉक्स है दीदी। ठीक है वो तुम रखो। मैं लंच बॉक्स खोल रही हूं ना। खोलो मत, खोल क्यों रही हो? देख ले। अच्छा अरे भाई उधर से ले जाऊंगी, ये वाला ले जा सकते हो और रोटी चावल। अच्छा वेरी गुड। ये है तुम क्या खेलोगे? तो किट्टू ही खेलेगी है ना, तुम खेलोगे? अच्छा किट्टू छीन रही है। ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है? मेरे को पहले ही पता चल जाता है कौन सा लाया है, इसका साइज़ है। ये इसने सोच समझ के लिया है क्योंकि बाद में तो मेरे को ही लेना है सारे। बाद में तो सारे मेरे को ही लेने हैं। अरे तो लूडो का है, कॉम्प्लान कौन क्या नाम है उसका? वासुधा। अच्छा वासुधा क्या हो गया? चलो एक डिब्बा मेरा एक डिब्बा की दुकान। This is from summer. हाँ, वो भी गली में ही रहती है। Coloring set लगा ही था। Hello, hello, hello. तो, happy birthday.
गाइस आज का ब्लॉग देख रहे हैं, हमने डबल सेलिब्रेशन किया, ऋतु का भी बर्थडे सेलिब्रेट किया, भैया का भी बर्थडे सेलिब्रेट किया, सब कुछ धूमधाम से हो गया। एक चीज मिसिंग रह गया, मैंने खाने का नहीं दिखाया। गाइस सावन का महीना चल रहा है, नॉर्मल पनीर पुलाव दाल यही सब बना हुआ है, यही सब खाएंगे गाइस और उधर गेट टुगेदर करते हैं। तो आज का ब्लॉग लंबा हो गया मैं जानता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, मजा आएगा आपको देखने में, मजेदार है। देखिए ब्लॉग को, आशीर्वाद दीजिए ऋतु को, भैया को ब्लेसिंग दीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे। तो आज का ब्लॉग मैं यही पेंट करता हूँ, देखिए बर्थडे का आ गया मेरे पास, तब तक देख के।